अब देखिए कान्हा जी के ये मेल फिगर के बाल थोड़े छल्ले वाले बनाएंगे जो यहाँ से भी हो रहे हैं, और भी इनको इनमें कर्व डाल सकते हैं छल्ले दिखाने के लिए। ठीक है, कुछ लट निकाल दीजिए, इनकी भी कुछ लट निकालेंगे, राधा जी की भी। अब हम बैकग्राउंड में कुछ डिजाइन देंगे, बैकग्राउंड में एक मून दे देते हैं और ब्रांचेस वगैरह देंगे। ठीक है, अब ब्रांचेस देखिए कहीं से भी कैसे भी रैंडमली आप बना दीजिए। ये देखिए इसमें कैसे भी आप बना सकते हैं, अपनी आपको पूरी जगह फिल करनी है। बीच बीच में फ्लावर बर्ड्स जो देना चाहे वो सब दे दीजिएगा। क्योंकि हमें अपने बैकग्राउंड को पूरे को कवर करना है तो इसलिए हम हर तरफ मेन मेन ब्रांचेस देंगे। उसके बाद चाहे तो बर्ड फ्लावर लीफ जो भी अपने इमेजिनेशन से हम इसमें डाल सकते हैं वो डालेंगे, पूरे को फिल करना है बस। ठीक है, बेसिक फिगर अब हम लोग का तैयार हो गया है। ये देखिए फिगर और बैकग्राउंड का बेसिक फिगर, इसकी कलरिंग और डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए अब इसको हम मैंने ड्रॉ कर लिया है, ड्रॉ करने के बाद मुझे फाइनल लग रही है डिजाइन, बेसिक डिजाइन अभी हमने ड्रॉ करी है। उसके बाद अब हम इसमें मार्कर से या आप ब्रश से करना चाहें तो ब्रश से भी सबकी आउटलाइन कर लीजिए। अगर आप ब्रश से नहीं करना चाहें या नहीं कर पाए अभी तो आप सारी आउटलाइन मार्कर से कर लीजिए। ये परमानेंट मार्कर है, देखिए इससे कर सकते हैं, और या अगर हमें मोटी आउटलाइन करनी है तो हम इससे, वरना मैंने ये जो आपको टेक्निकल पेन कैलीग्राफी वाले मंगाए थे इसमें 0.5 वाले से करेंगे। फेस की आउटलाइन करने के लिए हम सिर्फ फेस को सिंगल ही करेंगे, ऐसे देखिए, और बाकी की जो आउटलाइन करनी है वो हमें सब डबल करनी है। अगर हमें कभी भी डबल लाइनिंग करनी है, और मान लीजिए कि हम चाहें कि हमें डबल लाइनिंग अलग अलग दिखानी है, तो हम अंदर वाली लाइन को मोटा कर सकते हैं और बाहर वाली लाइन को पतला रहने दीजिएगा। यानी कि अगर हम अंदर वाली लाइन को स्केच पेन से कर रहे हैं, जैसे देखिए मान लीजिए इसमें हमने अंदर वाली लाइन, सॉरी ये चल नहीं रहा, अंदर वाली लाइन हमने स्केच पेन से किया या फिर इसी के मोटे पेन से किया, मोटे टिप वाले से, तो बाहर वाली लाइन को हम और भी पतले 0.1 वाले नंबर से फिर करेंगे आउटलाइन, वो बहुत खूबसूरत लगता है देखिए। और इसके बाद जो हमारा पेंसिल का आ रहा है उसको हम इरेज कर देंगे। आउटलाइन होने के बाद हम अगर इस ब्रांच में, जैसे मैंने बहुत सारी ब्रांचेस की आपको डिजाइन दिखाई थी कि अगर हम चाहें तो इनमें ये डिजाइन डालना चाहें और फिर बाकी का एरिया हम कलर करना चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं, बीच का ये एरिया पूरा ब्लैक कर दें और इधर उधर डिजाइन डाल दें, या तो ऐसे कर सकते हैं, और या फिर पूरे ही इसको देखिए या तो इस पैटर्न पे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, खुद अपनी मर्जी, अपना कहीं से भी अगर आप कुछ भी फिगर भी कॉपी कर रहे हैं बनाने के लिए या मैं जो सिखा रही हूँ तो बिल्कुल सेम बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी कल्पना शक्ति उसमें जरूर डालिए। इस वाली पेंटिंग को करने के लिए हम एक्रेलिक कलर करेंगे, आप चाहें तो पोस्टर कलर भी यूज कर सकते हैं या एक्रेलिक कलर भी, देखिए इस तरीके से बॉटल में आते हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं। पर्ल वाले कलर इसमें ना करें तो अच्छा है, या फिर ये ट्यूब वाले, ट्यूब में मिलते हैं ऐसे कर सकते हैं, या ये ऐसे बॉटल्स में मिलते हैं, किसी भी टाइप के एक्रेलिक कलर्स करेंगे इसमें। और बाकी काम हम सारा, जब हमारी डिजाइनिंग है बेसिक लाइनिंग हो जाएगी तब हम अंदर की डिजाइनिंग करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारी ये आउटलाइन हो गई इसकी,
पल्लू की, चुनरी की, तो हमने एक लाइन मोटे से कर दी और दूसरी लाइन हम पतले से करेंगे। देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत लगती है ये लाइन भी। अब हम इसमें अंदर डिजाइनिंग डालेंगे, जैसे अंदर के लिए मैंने आपको छोटे छोटे फ्लावर्स, तरह तरह की डिजाइन्स बताई थी, वो इनके चुनरी में हम डिजाइन डाल देंगे। और फिर जब हम कलर करेंगे तो कलर जो है इन फ्लावर्स को छोड़कर करेंगे, बाकी के सारे एरिया में करेंगे कलर। पूरे में जब ये डिजाइनिंग हो जाएगी तब मैं कलरिंग स्टार्ट करूंगी, तब आपको बताऊंगी। अभी मैं जरा सा बेसिक आउटलाइन कर लूं फिर आपको दिखाती हूँ। और ब्रश हमें अगर पतला करना है, पतले ब्रश से ही हम आउटलाइन कर रहे हैं, तो हम 0 नंबर का, 00 नंबर का किसी से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम इनकी ये ब्रांचेस में पेटल्स बनाएंगे, देखिए, तो हम डायरेक्ट फिर उसको तो अपनी पेन से बना सकते हैं। आप डायरेक्ट ब्रश से बनाना चाहें तो डायरेक्ट ब्रश से भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद इन लीव्स की फिलिंग, इसको कचनी वाले स्टाइल में करेंगे, पूरा भरेंगे लाइन से। पेटल्स भी मैंने बहुत तरीके की बताई थी, अब हम इस वाले में ऐसी पेटल्स डाल रहे हैं। बैकग्राउंड में हम चाहें तो डिजाइन इन पेटल्स के बीच बीच में डाल सकते हैं, या चाहें तो पूरे बैकग्राउंड को किसी एक कलर से कलर भी कर सकते हैं।